हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से सुपर मार्केट सिमुलेटर। लास्ट वाले एपिसोड में मुझे याद नहीं तुम लास्ट वाली वीडियो देखे क्या हुआ था, बट या आज पहले प्राइसेस चेक लिए हैं इन्होंने, थोड़ा ग्लिच वगैरह हो गया शायद। इन्होंने इसे तेल की प्राइस बढ़ा रखी है, लेकिन मैंने ही बढ़ा रखी है नेवर माइंड। और क्या बढ़ा था पता नहीं, मैंने देखा नहीं। वैसे शायद ये था, ये 7 रुपये हो गया भाई, 8 रुपये का भेज दूंगा मैं इसको, 8 रुपये का प्रॉफिट प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग से करने से पहले मैं सारे सामान मंगवा लेता हूँ। ये टाइम रन क्यों हो रहा है भाई? दुकान तो बंद है भाई, अभी टाइम रन हो जा रहा है। नहीं ये क्या हो रहा है यार, टाइम रन क्यों हो रहा है? छोड़ो ना। तो मुझे मंगवाना है भैया, ये क्या है, ये चोको पिक पास्ता इज टू एक्सपेंसिव। क्या होगा भाई, बस चल ले यार, तुम क्या रखे $4। सूसू मंगवाना है, ये भी मंगवाना है, एटलीस्ट सब कुछ ही मंगवाना है मुझे। ब्रेड वगैरह सब कुछ ही मंगवा लेता हूँ, जितना मुझे दिख रहा है सब मंगवा लेते हैं। और यह मुझे आज एक लाइसेंस परचेज ज़रूर करना है। 1 2 3 4 5 6 सब कुछ मंगवा लिया, और मेरे पास पैसे बचे हैं उत्तरी, वो तो डब्बा मंगवा दे बिल्कुल ही। बोतल तेल की बच जाएगी, सबसे बेकार जब एक चीज़ बचती सबसे बेकार होता है। पहले मैं इनको देख लो यार, एक को ही देखूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक को। लाओ भाई पैसे दे, ₹1 एक मेरा, ठीक है? अबे चल चल चल, ₹1 तो कमाए, ₹1 से मैं अमीर थोड़ी हो जाऊँगा तुम्हारे। ब्रेड लगाऊँगा सबसे नीचे, और बाकी पास्ता इज टू एक्सपेंसिव। आप मैं मारूंगा चेकआउट सर फुल, वो तो मुझे ही पता है। अरे रुक जाओ भाई, भसड़ मचा रखी है बिल्कुल ही। अरे पास्ता एक्सपेंसिव क्या हो गया? रुक जाओ मैं ये भी रख के आता हूँ, पहले मैं पहले पूरा भरूंगा, अच्छा जितनी भी मर्जी वो हो जाए। अरे भाई ये देखो, अपनी रिफिल ज़रूरी है, मतलब रीस्टॉक, सॉरी सामान ही नहीं होगा भाई, लोग ज़्यादा आ रहे। रुक जाओ, अब कर ही लेता हूँ मैं थोड़ा। मुझे करके देखना पड़ेगा, ये लिया इसने, ये लिया काट दिया, ये नेक्स्ट वैसे वो मैंने सोचा 37 20 30 30 और 5 बता दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी मंगा देना चाहिए, ₹3 हुआ भाई। पूरे के पूरे 266 हो चुके हैं मेरे पास पैसे, और मैंने अभी गेम स्टार्ट किया था 200 से, और मैंने पूरा एक बार रिस्टॉक भी कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट वाले डे लूँगा मैं वैसे तो, नेक्स्ट डे मतलब नया लाइसेंस, अभी तो नहीं लेने वाला। वैसे मैं बिजली का बिल आ गया होगा, मेरा बिजली का बिल देना है। मैं चाहूँ तो एक लोन भी ले सकता हूँ, और लोन लेने के लिए दे तो लूँगा, लाइसेंस ₹200 का है, मैं अभी परचेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता अभी, कल सुबह लेंगे। तो अभी के लिए मैं एग्जैक्टली मैं अपने बिल्स देने जा रहा था मैनेजमेंट में। बिल ले भाई ले, 247 होगा पैसे। बिल्स पे करना सबसे बेकार काम है भाई, इसका तो हर रोज़ का बिजली का बिल आ जाता है $3-4 का, बड़ा बेकार है यार। पास्ता कार्ड $8, नेक्स्ट 1 2 ये 84 20 40 60 70 निकल, दिस इज टैप भाई। और कितना सामान लोगे? सामान ही ख़त्म हो गया मेरा तो लिटरली, लेकिन हाँ इस हिसाब से मैं 300 पहुँच जाऊँगा, तो लाइसेंस लेने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, और मैं लूट मार भी बहुत कर रहा हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ऑयल इज टू एक्सपेंसिव, तो क्या एक्सपेंसिव हो गया भाई? वो तेल यहाँ से ₹3 की, अगर मैं ₹4 में बेचूँ तो ज़्यादा सही नहीं है। आई थिंक मैंने इसका प्राइस चेंज करे थे शायद, आई डिडंट नो। वैसे 2000 एग गिर रखे हैं, वैसे लाइसेंस में मिलेगा क्या हमें? लाइसेंस वाटर बॉटल एग चॉकलेट मिल्क टी बैग कॉफ़ी की, टी और कॉफ़ी तो उसमें आ जाएगी रैक में, बाकी मुझे फ्रिज खरीदनी पड़ेगी। और फ्रिज कितनी की है? मैनेजमेंट फीचर फ्रिज है 200 की, अगर मैं 200 की फ्रिज खरीद लूँगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा भाई। हो गया, मैं लॉस में जाऊँगा, लोन लेना ही पड़ेगा मुझे, बिना लोन ले ये नहीं करने देंगे। हाँ वैसे देखो, हर कोई बंदा लोन लेके ही सब कुछ आगे बढ़ता है, टेंशन नहीं लेनी।
अगर $300 हो जाए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पास्ता ख़त्म हो गया एक साइड से, बाकी ब्रेड अब साइड से उठा लेना, कोई बात नहीं, कस्टमर है, कस्टमर भगवान का रूप होता है। साथ हरियाणा, और इसके साथ हो गया 9 बज गए, और आज का एक काला चिट्ठा, तो टोटल प्रॉफिट 138 का, शायद ज़्यादा ही है पहले से शायद। हाँ, और मेरे पास अभी 315 रुपये है, और ये क्राफ्टन फ्लोर के प्राइस बढ़े हैं, आटे के प्राइस बढ़ गए 4-5 रुपये कर देता हूँ इसको। और घटे किसके थे, इसके घटे थे पास्ता के, पास्ता के घट गए यार, 3-3.5 के बेचने पड़ेंगे। हाँ इतना सही है। अब मुझे ख़रीदना है एक फ्रिज, पहले तो मुझे एक लोन लेना पड़ेगा। हाँ भाई ले लेता हूँ, देखी जाएगी, बिल्स भी देने पड़ेंगे। ले आ जाए तो बिल्स ही आ जाते हैं। एक ये बाय कर दिया, फ्रिज आ गया, ये भाई खर्चा करवा रहा है। मैं उसे बुलाता हूँ लोगों को, अंकल जी आइए आइए, अरे अरे अंदर आइए। हाँ ये पास्ता, अरे पास्ता सस्ते चल रहे, कॉफ़ी ले लीजिए अंकल जी, कॉफ़ी। अरे भाई अंकल जी ने कॉफ़ी ली, एक ही कॉफ़ी ली, अरे 2-3 पैक लेते हैं अंकल जी, वैसे $11-12 की है भाई ये, $3, इसमें से भी मैं $1-2 मार लेता हूँ, ₹13 का प्रॉफिट भाई, उसको पता ही लगा। अरे कॉफ़ी भाई, कॉफ़ी बिकती है लगता है, कॉफ़ी बिकती है, कॉफ़ी लेते हैं भाई लोग 6:30 की। नेक्स्ट, अरे आइए आइए सर जी आइए, देखिए सर कॉफ़ी, सर कॉफ़ी दीजिए, आप दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए, क्या ले रहा अब इतने टाइम लो। सबसे सस्ता, वैसे मैं जितना सस्ता सामान करूँगा शायद उतना बिकेगा सामान, सस्ता करके देखते हैं इस बार, कल नहीं अगली वीडियो में रेट गिरा देंगे सारे सामान के जितने भी है, रेट गिरा देंगे, किसी के रेट बढ़ाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ते रहते हैं, घटने वाले तो घट ही जाएंगे लेकिन बढ़ने वाले के बढ़ जाएंगे बहुत सही। तो बैलेंस है 400 रुपये भाई, बहुत सही प्रॉफिट नहीं हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।